वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कम होने के साथ ही जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है, जिसके तहत सोनबरसा में बन रहे महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड के कोविड अस्पताल में चल रही तैयारियों का जायजा लेने मंडलायुक्त एवं कोविड के नोडल अधिकारी जयंत नार्लिकर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टरों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर तैयारियों के संबंध में जानकारी हासिल की। उम्मीद है कि 26 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर सकते हैं। इस संबंध में मंडलायुक्त एवं जनपद नोडल अधिकारी जयंत नार्लिकर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जनपद में कोविड संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों के साथ प्राइवेट संस्थाओं में कोविड के इलाज के लिए बेड वेंटिलेटर युक्त वार्ड तैयार किया जा रहा है। सोनबरसा स्थित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड का उच्च स्तर का वार्ड तैयार किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। साथ ही उन्होंने बताया कि तैयारियों को देखते हुए जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके साथ तैयारियों को परखा गया है कि कहीं कोई कमी नहीं होने पाए। ऑक्सीजन युक्त 200 बेड के वार्ड के तैयार हो जाने से गोरखपुर जनपद ही नहीं आसपास के जिलों के लोगों को अच्छी और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी बेड वेंटिलेटर युक्त हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एवं विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त एवं कोविड के नोडल अधिकारी जयंत नार्लिकर ने बताया। प्लांट करने से अच्छा है, इनका बर्डन कम हो जाए। डॉक्टर राजेश्वर को भी डॉक्टर साहब नमस्कार। यहीं से मरीज को के साथ ले जाता है।
जो इंफॉर्मेशन चाहिए उससे फॉर्म भी होगा, वो फॉर्म बाहर पे यहाँ पे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला सब सब ये है मतलब अच्छा है। हाँ मान लीजिए स्टडीज कुछ है और जो एक दूसरा हम कैसेट से लेके जाएंगे सर, उसका कैसेट बाहर आ जाएगा और उस कैसेट को ज्यादा हम लोगों का मतलब मैन पावर बहुत बेचित होगा। जैसे एंट्री होती है मरीज के बाहर उससे परेशान यहाँ से जा सकते हैं। हाँ ये एक्सरे करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए तो फिर हम और निरीक्षण किया गया है, क्या तैयारी है पता है? देखिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमें कोविड की और फैसिलिटीज़ बढ़ानी है और इसीलिए प्रयास ये चल रहा है कि यहाँ पर सोनबरसा में गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में जो हमारा एक 200 बेड की फैसिलिटी है उसको आखिरी हम फेज़ में हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने जितने हमारे एक्सपर्ट हैं BRD के उन सभी को बुला के एक निरीक्षण कराने की कोशिश की है जिससे कि जो भी लास्ट फेज़ में हमारी कोई चूक ना हो और आशा करते हैं कि इस फैसिलिटी के क्रियाशील होने के बाद गोरखपुर जनपद ही नहीं बट आसपास के सभी जनपदों मंडल के जनपदों में हम और अच्छी और प्रभावी चिकित्सा सेवा कोरोना के लिए दे पाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर वेंटिलेटर और हाई फ्लो नेजल रहेगा HFNO रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा ICU एक बनने की प्रयास किया जा रहा है और आशा करते हैं जो क्रिटिकल पेशेंट हैं हम उनको समय रहते हुए अच्छा इलाज दे पाएंगे।